भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को सुर्खियों में रहना आता है। वो बात और है कि विवाद और उनका चोली दामन का साथ रहा है, कभी वो विवादों में तो कभी विवाद उन पर छा ही जाते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि ये वीडियो हमने विवाद के लिए तो नहीं बनाया है, लेकिन हाँ, जब वीडियो में विवाद की बात हुई है तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि श्याम देहाती की मौत के ऊपर जितना भी विवाद हुआ, उसके बाद लोगों ने पवन सिंह को मतलबी और एहसान फरामोश कहा। फिर उसके बाद पवन सिंह ने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन पवन सिंह को जानने वाले ये कहते हैं कि भाई पवन को मदद करना है तो वो मदद कर देंगे, लेकिन वो किसी की तरह लाइव आकर रोकर और दुनिया में ढिंढोरा पीटकर मदद नहीं करते। वैसे आपको बता दें कि पवन सिंह ने भी श्याम देहाती के घर वालों से बात की और उन्हें पूरी मदद देने का भी आश्वासन दिया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं जिस खबर के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। आपको तो याद होगा पिछले साल लॉकडाउन में पवन सिंह का एक गाना जो बहुत सुपर डुपर हिट रहा, 100 मिलियन क्रॉस कर चुका है, मीठा मीठा बात है कमरिया। अब इस सॉन्ग का पार्ट 2 आ रहा है। जी हाँ, लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था और हम आपको बता दें कि इसके लिए पवन सिंह ने पूरी तैयारी कर ली है, शूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। पवन सिंह इस गाने की शूटिंग अपने आरा वाले घर में ही करेंगे, जिस तरह से उन्होंने अपने पहले गाने की यानी मीठा मीठा बातें कमरिया पार्ट 1 की शूटिंग की थी, उसी तरह से इसकी भी शूटिंग वो आरा वाले घर में ही करेंगे। हाँ, अभी हीरोइन कंफर्म नहीं हुई, पिछले में तो डिंपल सिंह थी, इस वाले में कौन होगा ये पता नहीं है, लेकिन पवन सिंह के तरफ से ही ये सूचना लोगों को दी गई है कि मीठा मीठा बातें कमरिया 2 बहुत जल्द आ रहा है। तो जितने लोग भी एक्साइटेड हैं इस गाने के लिए, भाई ज़्यादा दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, ये गाना आप लोगों के समक्ष बहुत ही जल्द आने वाला है और आप सभी इस गाने को लेकर जितने एक्साइटेड हैं उतने ज़्यादा पवन सिंह भी एक्साइटेड हैं, क्योंकि इसका पार्ट 1 अभी तक लोगों के सिर चढ़ बोल रहा है, तो पार्ट 2 का इंतज़ार करना कोई गलत बात नहीं है। तो तैयार हो जाइए जितने भी पवन के फैंस हैं और जो इस गाने के दीवाने हैं। इस गाने से जुड़ी सारी अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल के लिए तो हम आपको कह रहे हैं कि पवन सिंह भले ही अपनी फिल्मों की शूटिंग से फ्री हुए हैं, लेकिन अपने गानों की श्रृंखला को वो बंद बिल्कुल नहीं करेंगे। अब अगर लॉकडाउन लगेगा भी या मिनी लॉकडाउन लगेगा भी, तो पवन के गानों से आप अपने लॉकडाउन की समय सीमा को काट सकते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।